feel so extraordinary. Something's got a hold on. Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life, this life, this life. Hey. And I'm thankful, even when they say Namaste YouTube, welcome to my channel. तो जस्ट यू ही आज हम खेलेंगे द मोस्ट अवेटेड गेम ऑफ द डेकेड द लास्ट ऑफ अस पार्ट टू। ये कल ही आ गया था मेरे पास, जो कि मैंने अपने जान पे खेल के मंगवाया है, क्योंकि कोरोना की वजह से आजकल कहीं जाना मुश्किल सा ही हो गया है। तो आज मैं रिव्यू करूंगा द लास्ट ऑफ अस टू पे। तो ये स्टैंडर्ड एडिशन है मेरे पास और मैं आपको पूरा सिस्टम सा बताऊंगा कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो सबसे पहली बात, आपके PS4 में मिनिमम 95 GB फ्री स्पेस होनी चाहिए। ये पिक्चर मैं फोन से बना रहा हूँ तो थोड़ा पिक्चर क्वालिटी खराब सी है, आई नो, उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको दो डिस्क मिलती है स्टैंडर्ड एडिशन में। पहली डिस्क में गेम का डाटा है जो आपको इंस्टॉल करवाना होगा PS4 में, और उसके बाद दूसरी डिस्क लगानी होगी जिसमें हमारा एक्चुअल गेम है। गेम डाटा कॉपी हो जाने के बाद उसको अपडेट फाइल की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो पूरा गेम अपडेट हो जाने दें, उसके बाद ही स्टार्ट एप्लीकेशन दबाएं। नहीं तो आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं पर बाद में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो बेटर बी सेफ देन सॉरी। और उसके बाद आपकी कुछ ऑफिशियल सेटिंग्स हैं, जैसे ऑडियो वीडियो सेटिंग्स, ब्राइटनेस, सबटाइटल्स, आपको कितना स्क्रीन साइज रखना है, वो सब उसके बाद ही आपका ऑफिशियल गेम स्टार्ट होगा। तो बेसिकली दिस गेम इज ऑल अबाउट पेंडेमिक दैट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जैसे अपना कोरोना है बट फार डेडलियर, ये एक ज़ॉम्बी वायरस पे बेस्ड है। तो जिसने वॉकिंग डेड और वर्ल्ड वॉर जी देखी है उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वेल, इसकी फर्स्ट पार्ट पे भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन ऑल अबाउट इट्स हिस्ट्री इन दैट वीडियो। So please like, comment and share to know more. चलिए आप गेम खेल के देखते हैं कि कैसा लगता है ये एक्चुअली खेलने में। So let us play the game. I don't know what happened. I was supposed to take her to the fireflies and walk away. Go halfway across the country with someone. She needed her immunity to mean something. Maybe I was starting to buy into that old cure business. Maybe I just wanted to do right by her. And then we made it. He found the firefly. Because of her, they were actually going to make a cure. The only catch, it would kill her. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Jesus Christ, Joel. What do you do? I saved her. Don't let him get away!
Goddamn. That's so. I told her they just ran some tests. I told her her immunity meant nothing. And she believed you? I didn't say otherwise. We should head back. ओके सो कंट्रोल्स अब मेरे हाथ में है और लेट मी टेल यू इसका ट्रांजिशन कटसीन से गेम प्ले में बहुत ही स्मूथ और जहाँ तक इसका घोड़े को कंट्रोल कर रहा हूँ मैं तो मैं बता दूँ पार्ट वन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था घोड़े को कंट्रोल करना इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी ठीक ठाक है काफ़ी गेम्स के बराबर है जैसे मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं जैसे री अनचार्टेड वन अनचार्टेड टू Assassin's Creed से तो कंपेयर नहीं करूँगा बट ये हाँ इसका ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है और अभी घोड़े चलाते वक्त भी बहुत मज़ा आ रहा है बाकी गेम्स के ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं मतलब अगर आप PS4 Pro और हाई एंड टीवी पे खेलोगे तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आगे हमें कैसे एनिमीज फेस करने को मिल सकते हैं पिछली बार क्लिकर्स ने बड़ा दिमाग खराब किया था वो तो इन्फेक्टेड से भी ज़्यादा खतरनाक उनकी वजह से इतना रिस्पॉन होता था ना भाई साहब क्या बताऊँ मतलब गेम अगर 20 घंटों में ख़त्म हो रहा है तो उनकी वजह से 25 घंटे लगते थे प्लस थोड़ा छोटा भी था और हॉरर गेम कम ही खेलता था अब ये मत पूछना क्यों बचपन में सबको डर लगता है अरे बचपन में छोड़ो मैं तो सोच रहा हूँ मैं अब भी ये गेम कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं खैर वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा तो ये गेम हमारे ओरिजिनल गेम से 4 साल के बाद की स्टोरी है जहाँ एली थोड़ी बड़ी हो जाती है एली मेन कैरेक्टर है गेम की वैसे मैं एक वीडियो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 पे भी बना रहा हूँ जहाँ पे मैं पूरी स्टोरी का सार एक बारी में ही समझा दूंगा प्लस अब तो HBO पे भी द लास्ट ऑफ अस की सीरीज आने वाली है तो उसे जानने की तो और भी जरूरत पड़ेगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर टू नो मोर तो आज की वीडियो तो एक तरीके से इंट्रो भी होगी और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे और भी वीडियोस अपलोड कर दूँ तो अगर आप किसी भी वजह से गेम नहीं खेल पा रहे हो या लॉकडाउन में बोर ही हो रहे हो तो हम ये गेम साथ में कंप्लीट करेंगे और एक तरीके से मन बहला लेंगे एक दूसरे का और तो मैं क्या ही बोलूं It's okay. I got him. You go on. You sure? Yeah. All right. I can't say I'd have done different. I'll take it to the grave if I have to. I'll see you later.
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आगे भी खेलूंगा और वीडियोस बनाऊंगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस देखने को और ज्यादा मिले। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम। Check this out.